हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल रीडिंग होने वाली है तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है आवाज़ के अलावा, उसके लिए मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, माइक आ रहा है, आ जाएगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अगर सही वर्क किया तो, ठीक है, नहीं तो थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा। ईयरफोन लगा के सुन लो, ठीक है, कभी होता है कुछ चीज़ों में मैनेज कर लो, हम भी कर रहे हैं, हमने मंगाया था एक माइक, वर्क नहीं किया। कई बार उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि पता चला हमने लगाया, कनेक्ट किया, हमें लगा कि रीडिंग चल रही है वहाँ पे, और उसके बाद वो पता चला पूरी रीडिंग वहाँ पे हो गई, वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आवाज़ ही नहीं आई, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से इससे करते हैं डायरेक्ट। अब दो दो तीन तीन हज़ार रुपये के लिए 28-30 हज़ार का माइक तो खरीदने से रहे हम, तो या तो अच्छे अच्छे व्यूज़ दो, बढ़िया से व्यूज़ आए, थोड़ा सा आए तो करें, क्योंकि मेरा बिजनेस के मामले में स्ट्रैटेजी मेरी बड़ी क्लियर है, जहाँ से कमाएंगे वहीं पे लगाएंगे, ध्यान रखना। तो अच्छे अच्छे व्यूज़ दो फटाफट, तब आएगा यहाँ से पैसा तो ही लगाएंगे, अपनी पर्सनल दूसरी कमाई में से पैसा मैं यहाँ नहीं लगाने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। तो माइक अपना ईयरफोन लगा के काम चलाओ आप। एनीवे, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हमारी जो भी फर्स्ट हाफ होता है वो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसका मतलब कि उनकी जिंदगी में कोई और भी है, तो उस तरीके की एनर्जी रहती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स उनके व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं, एक तो इतने टाइम तक इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा दिन, कभी कभी इतना थकाने वाला हो जाता है कि प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, अंटिशंट बकना शुरू हो जाती हूँ। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। 11-11 बड़े दिन बाद आया, ये वाकई दिल खुश हो गया पहले ही उससे। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या किसी की सोल अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 11-11 के बाद थर्ड पार्टी ना आए, कलेश ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। प्लीज कम बैक, ओके, तो थर्ड पार्टी में गए क्यों थे, यूनियन है थर्ड पार्टी, प्लीज कम बैक की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड, एक सर्कल में घूम रहे हैं, राउंड एंड राउंड की एनर्जी कब आती है, जब आप कुछ सबक हैं जो सीखने हैं नहीं सीख रहे हो, ना आपके पर्सन सीख रहे हैं ना आप सीख रहे हो, तो डिवाइन आपको सेम चैप्टर रिपीट कराते रहते हैं बार बार, जैसे क्लास में होता है ना सेम, इसीलिए आप लोग राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ सुधार अपने अंदर लेके आने, जो नहीं ला रहे हो, आप भी नहीं ला रहे हो, आपके पर्सन भी नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कल चलता रहेगा जब तक आप सुधर नहीं जाते, ठीक है। तो कोशिश करो, फाइंड आउट करो कि गलती कहाँ पे है और उसे सुधारने की कोशिश करो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बात नहीं कर रहे होगे आप लोग, पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बॉटम की एनर्जी है, बहुत बढ़िया खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करना है इसको, बाकी को हम आगे देखते हैं।
और वैसे भी मैं एनर्जी क्लेम करने के बजाय हमेशा आपको बोलती हूँ सरेंडर टू डिवाइन, हमेशा डिवाइन को सरेंडर करो, उनको डिसीजन लेने दो, वो हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, चलिए पर्सन के ऊपर फोकस करो। वैसे अभी तो चलो हम ओवरऑल निकाल रहे हैं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों की मैरिज या तो प्रॉब्लम में आ गई है। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मैरिड हैं, तो आपकी शादी जो है खतरे में पड़ गई है, टूटने की कगार पे आ गई है। और कुछ लोग जो शादी करना चाहते थे तो उनकी शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है फिलहाल आपके पर्सन की ज़िंदगी में, पहले ओवरऑल बता देती हूँ फिर मैं बताऊँगी क्लैरिफाई करके। जोडेक साइन अगर मैं बात करूँ तो चलो मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ फिर बताती हूँ। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस फिलहाल यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन क्योंकि रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, बाकी सभी साइन अभी आ ही जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सेलिब्रेशन है किसी तरीके का, ट्रांसफर मूवमेंट दिखाई देता है, इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है, किसी को प्रॉपर एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई दो सिचुएशन है जहां ये बैलेंस करना चाहते हैं, तो या तो ये बैलेंस करना चाहते हैं या फिर ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्टेशन, ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ा सा अपने दोस्तों वोस्तों के साथ आर्टी पार्टी करके अपना टाइम बहला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, इस वक्त इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, तो ये प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है नए नए लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी फंक्शंस में जा रहे हैं ताकि नए लोगों से मिलें, ताकि कोई नया प्यार इनको मिल जाए। ठीक है, और इनकी ज़िंदगी में जो प्यार की कमी सूखा पड़ा हुआ है, ये थोड़ी सी हरियाली इनकी ज़िंदगी में भी आ जाए, ऐसा कुछ ये देख रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या फिर किसी का प्यार खो दिया है तो बस अब कुछ बचा तो है नहीं, तो दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भी होगी। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ लोग हो सकता है दारू पी रहे हो, ठीक है, अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, लेकिन ये किसी के पास जाना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर लेना चाहते, मतलब या तो कहीं ट्रांसफर लेके जाना चाहते हैं, शहर बदल सकते हैं, जगह बदल सकते हैं किसी तरीके की, या करना चाहते हैं, हो सकता है राइट अभी भी कर रहे हों। कुछ लोग हो सकता है मैरिज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ भी है। यस, किसी के लिए मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, किसी को हो सकता है, जैसे कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, मैं उनकी अभी तो ओवरऑल देख रही हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करती हूँ, जिसके साथ ये मैरिड हैं, हो सकता है अगर अलग रह रहे हैं तो वहाँ पे ये जाना चाहते हैं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये उसे मिस कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जी हो सकती है कि जिसके साथ मैरिज करना चाहते हैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, और उसके पास जाना चाहते हैं क्योंकि ये फिजिकली उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, इनको उसकी याद आ रही है, और मतलब ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह है तो जाना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी या फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी। आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं बट क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये शादी इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शादी, अगर ये आपके पर्सन मैरिड है, आपके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, जो भी है, वहां शादी टूटती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के ये टेंशन में है। दूसरी तरफ इनका मैरिज 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 ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत स्ट्रांग है, आज 99% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि 11-11 से शुरुआत हुई है और फोर ऑफ वंड्स मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। अब इनकी कंडीशन यही है कि ये मैरिज करना चाहते हैं, इमोशनली इन्होंने क्यों दूरी बनाई हुई है, बिकॉज ये अभी फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
हो सकता है ये जिस इंसान को मिस कर रहे हैं, एक्चुअली उसे अभी कमिटमेंट तो दे नहीं सकते, लेकिन उसको मिस बहुत कर रहे हैं, मतलब फिजिकली उसको मिलना चाहते हैं एक बारी, तो इस वजह से भी उस इंसान के पास जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, और थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी है क्योंकि ये पैसे का वेट कर रहे हैं, मॉनिटरी गेन आने का वेट कर रहे हैं, कहीं कुछ इन्होंने बिजनेस में या कहीं कुछ जॉब वॉब में लगाया है, कहीं से भी किसी भी तरीके से फाइनेंशियली कुछ पैसा वैसा आने वाला है, तो ये उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन तब तक इन्होंने एक इमोशनल दूरी बनाई हुई है उस इंसान के साथ, जिसे या तो मैरिड है तो उससे बनाई हुई है, अगर मैरिड नहीं है मैरिज करना चाहते हैं तो भी उससे बनाई हुई है, बिकॉज अभी इनके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो ये अभी ऑफर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा इन्हें लगता है कि अगर वो उसके टच में रहेंगे तो हो सकता है फिर से कलेश होंगे कमिटमेंट देने को लेकर के, तो इसलिए थोड़ा सा एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं, ये उस इंसान को अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं जिस इंसान का प्यार इन्होंने खो दिया है। ठीक है, तो ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि जैसे ही इनके पास फाइनेंसेस आएगा, अगर इनके पास दो सिचुएशन है, जैसे सपोज एक तरफ ये मैरिड है एक तरफ कोई लविंग पर्सन है, मैं ओवरऑल बता रही हूँ अभी, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनके पास इतना सफिशियंट पैसा आ जाए जिससे ये जिसके साथ मैरिड है बच्चे हैं तो वहाँ भी चीज़ों को मैनेज कर लें, और जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उस इंसान के साथ भी चीज़ों को मैनेज कर लें, या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ वाइफ है या बच्चे हैं, या किसी पर्सन के साथ मैरिज करनी है तो वहाँ पे भी इनको यही लग रहा है कि इतना पैसा इनके पास आ जाए जहाँ ये उनके प्रति जो जो पेरेंट्स के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी निभा लें, और साथ में अगर इधर पत्नी है बच्चे हैं उनके लिए, या फिर अपना जो वुड भी है जो मतलब जिसके साथ प्यार करते हैं उस इंसान के साथ भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें। तो फिलहाल ये फाइनेंसिस पे अपने ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, इनका इरादा उसी इंसान के वेट कर रहे हैं जिस इंसान का इन्होंने प्यार खो दिया है, ये उसी को एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, इन्होंने हो सकता है अपने कैरियर की वजह से किसी इंसान को दूरी बनाई है, जिस इंसान से भी ये प्यार करते हैं उस इंसान से इन्होंने दूरी बनाई है अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करने के लिए। प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यस, ये किसी इंसान को जीतना चाहते हैं, इन्होंने हर्ट किया है किसी को, इसलिए जस्ट क्योंकि ये कोई दो सिचुएशन है जहाँ पे ये जगल कर रहे थे, तो वहाँ पे अब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक को मतलब जिस इंसान से ये प्यार करते थे उसको सिरे से इग्नोर कर दिया, दूसरी पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। अब वहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ज़्यादातर फाइनेंशियल दिखाई देता है कि इन्होंने अपने कैरियर को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी और कैरियर के चक्कर में दूसरे इंसान को बिल्कुल साइड में कर दिया, या फिर फैमिली को ज़्यादा दे दी, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है किसी के लिए, वो भी मुझे कैरियर ज़्यादा दिखाई दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जिस किसी एक इंसान को पूरी तरीके से इन्होंने इग्नोर मार दिया दूसरे इंसान को जीतने के चक्कर में, ठीक है, या दूसरी परिस्थिति को जीतने के चक्कर में। थर्ड पार्टी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होती है, थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर करती है, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है इस वक्त, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अभी भी दे रहे हों, ठीक है, ये चीज़ है। अगर फैमिली है तो अभी फैमिली को ज़्यादा पेम्पर कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है, ऑफ़र नहीं ले पा रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि ऑफ़र लेना देना है तो दे नहीं पा रहे हैं, लेना है तो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी इन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि मैरिज वैरिज अभी हो नहीं पाएगी, यहाँ पे ये चीज़ है। द चैरियट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये एक निर्णय लेना चाहते हैं जो इन्हें लगता है कि जो सही होगा, जो सही होगा उसकी तरफ ये निर्णय लेना चाहते हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है इनकी, कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं किसी के साथ मैरिज, थर्ड एंड फोर्थ टाइम शायद मेरे ख्याल से फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, बहुत बहुत स्ट्रांगली मैरिज 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 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, और यहाँ पे फोर फोर की एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इनका यही है कि ये इस वक्त अपने प्यार की अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें शादी करनी है, लेकिन यही है कि अभी अपने फाइनेंसिस को पहले इन्हें अपना फाइनेंसिस क्लियर करना है इसके बाद, ठीक है, बट शादी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है, किसी के साथ ही अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्यार की लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, थोड़े से एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं इनके अंदर, चीटिंग वगैरह थोड़ी सी है यहाँ पे, ठीक है, चीटिंग हो रही है, तो कोई है नाराज, चीटिंग को लेकर के हो सकता है तलवारें खींची हुई हैं, अब ये तलवारें थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, चीटिंग को लेकर के नाराजगी है आपके पर्सन ने, हो सकता है कैरियर के लिए दूरी बनाई हो किसी से, मतलब वो आप हैं कि कोई और है, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो देख लेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को ऐसे साबित किया कि जैसे कि ये चीट कर रहे हैं, इन्होंने हो सकता है खुद ही दूरी बनाने के लिए इस तरीके का नाटक किया हो, या सबके लिए नहीं होगा कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है,
तो इस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कपल एनर्जी आ गई। तो कोई इंसान इनसे नाराज है जिसका इन्होंने प्यार खो दिया, उसकी वजह है चीटिंग। या तो इन्होंने सच में चीटिंग किया होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इन्होंने नाटक किया जस्ट इस बात के लिए कि इन्हें एक दूरी चाहिए थी। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है, इंसान खुद किसी को नहीं भूल सकता, तो वो क्या करता है, सामने वाले के सामने इस तरीके की चीज़ें कर देता कि वो खुद ही कटअप हो जाए, खुद ही दूर हो जाए। क्योंकि खुद से तो हुआ नहीं जा रहा दूर, तो सामने वाला खुद ही नाराज होकर चला जाए, तो ताकि वो अपने कैरियर पर सही से फोकस कर सके। ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। पैसे के आने का ये वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि ये जैसे ही इनका कैरियर सेट हो जाएगा, इनका स्टेबिलिटी इनके कैरियर में आ जाएगी, वैसे ही अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे और शुरुआत फ्लर्ट से करेंगे। मतलब ये जो इंसान नाराज हो गया उसी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट फ्लर्ट करके दोस्ती वोस्ती कर करा के मना लेंगे उसको। ये है इनकी एनर्जी। तो लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं फिलहाल, ये कर्मा अपना भोग रहे हैं किसी तरीके का, या न्याय मांग रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए कर्मा डिमांड भी कर रहे हों, ये भी चीज़ है। क्योंकि किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन्हें करनी है, ठीक है। साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, दोनों ही कार्ड आ गए हैं। यानी कि यहाँ पर सभी साइन है, यहाँ पे ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। जिस इंसान को मिस कर रहे हैं उसको इन्होंने भाग्य के भरोसे छोड़ा हुआ है। इनके माइंड में ये है कि जैसे ही इनकी जिंदगी में चीजें ठीक हो जाएंगी वैसे ही ये उस इंसान को मना लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे उसके साथ में। इनकी ऐसी एनर्जी है फिलहाल। तो इनको ऐसे लग रहा है कि मैरिज वैरिज हो नहीं पाएगी, ठीक है, पर है माइंड में मैरिज ही इनके। अब कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वहां थोड़ी सी सीन अलग होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनका चेहरे पे उनके फोकस करिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, भूल तो नहीं पा रहे हैं ये आपको, ठीक है। फोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की प्लेनेटरी पोजीशन में फोर हो सकता है, अगर इलेवन इलेवन को भी अगर हम ऐड करें तो फोर है। फोर का नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये एनर्जी उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनकी कुंडली में राहु हो सकता है और जिनको फोर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फोर की अगर वीडियो देखनी है तो मैंने डाली हुई है, शायद इसी चैनल पर डाली हुई है, या फिर मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर डाली हुई है, तो जाके देख लेना वहाँ पे, तो पता चल जाएगा क्या है। और मैंने बेस चक्रा के ऊपर भी रीडिंग डाली हुई है, पूरा डिटेल है उसमें, जाकर के वो भी देख लेना। उसका सेकेंड चैनल का जो लिंक है वो इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चीटिंग चीटिंग दिख रही भाई, क्या बात। वेटिंग एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी भाई, बहुत सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। सारे ही कार्ड बड़ा बेकार से आए हैं। वेटिंग 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 एनर्जी है, कंफ्यूजन है यहाँ बहुत ज्यादा, सोच रहे हैं, लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हैं। प्यार है, ये सब कप्स का सिर्फ एक है कि प्यार तो है, डिवाइन का दिया हुआ प्यार है ये, ऐसा मानते हैं, बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं किसी तरीके का, इनको कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या फिर इनको खुद ही कर्मा मिला हुआ है। मैंने आपके सामने कार्ड सफल किया था, पर अगर आप देखें तो नीचे बॉटम में जो कार्ड थे वो यही थे, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा डिमांड कर रहे हैं या ये कर्मा भोग रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेम वही एनर्जी है जो पहले थी, ठीक है, हम थोड़ा सा चेंज हुआ, लवर्स बीच में आ गया, प्यार आ गया है बीच में, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पेशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे तब जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस वगैरह ठीक हो जाएगा, उसके बाद है, ठीक है। एक पास्ट लाइफ करेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ में, ठीक है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन है आप लोगों के बीच में, किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है। अब चीटिंग उनके एंड से हुई कि आपके एंड से हुई नहीं पता है, देखते हैं। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आई है, चीटिंग तो हुई है यहाँ पे, रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ है, जिसने ख़राब किया था वही अब दूसरे पर्सन को बुला रहा है, प्लीज़ कम बैक। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, हील तो नहीं है आपके पर्सन अभी, ठीक है, हीलिंग तो नहीं हुई है, पर अवेकनिंग हो सकता है इनकी स्टार्ट हो गई हो। प्लीज़ डिवाइन फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जीतने की एनर्जी है, मल्टीपल ऑप्शंस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखे हैं,
ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब यहाँ पे आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब ये मल्टीपल ऑप्शन आपने रखे हुए हैं कि आपके पर्सन ने रखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि ये इनका माइंड हम देख रहे हैं, तो या तो इन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन रखे थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए। आप क्लैरिटी मांग रहे हो, क्लैरिटी कैसे दी जाए, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी दो बार आई है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, लड़ाई झगड़े का बहाना मार के आप दूरी बना रहे हो। अब अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो और अब आप अपनी जीत रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे बराबरी कर रहे हो आप, इन्हें ऐसा लग रहा है और ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं इस रिगार्डिंग में, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े चीटिंग को लेकर के ही हुए हैं किसी न किसी तरीके के। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, क्यों स्टक है भाई। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, इन्होंने अब ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको जीतना चाहते हैं। इन्होंने आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है ये रीडिंग। अगर अगर आप अभी भी अपने पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं, आप अपने पर्सन को बार 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 रीच आउट कर रहे हैं, उस बंदे ने आपको ब्लॉक मारा हुआ है, वो आपको मतलब लड़का है लड़की जो भी है, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो भी हैं उन्होंने क्या किया है कि उनको अब अपनी सक्सेस, वो अगर आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप ही उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सेल्फ लव की कंडीशन में है, जो अपने पर्सन को अब ज़्यादा एंटरटेन कर नहीं रहे हैं, या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड हाँ हूँ मैं जवाब दे रहे हैं, कोई खास जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्यार व्यार उन्होंने खींच लिया है, एक तरीके से अकेला छोड़ दिया कि जाओ तुम बाहर में, तुम थर्ड पार्टी ढूंढते हो तो थर्ड पार्टी ही ढूंढ लो, उसी के साथ खुश रह लो जा करके, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो जहाँ पे अकेला छोड़ दिया है तो वहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कभी सोचते हैं अच्छा रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, जो भी इशूज़ हैं सक्सेस ले आते हैं इस रिश्ते में। कभी छोड़ते हैं, छोड़ो यार नहीं हो सकता, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब क्या कहना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देते हैं रिश्ते को, ये भी इनके माइंड में चल रहा है। तो एक तरफ इनकी सक्सेस है, एक तरफ इन्होंने अकेला आपने छोड़ा हुआ है इनको, तो ये उस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर करियर सेट नहीं है तो कभी सोचते हैं कि अच्छा चलो आप अकेलापन दूर कर लिया जाए कि पहले पढ़ाई लिखाई कर ली जाए, काम पे ध्यान दे लिया जाए, तो कभी कभी उनमें से भी सोचते रहते हैं। थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, पैसे का वेट कर रहे हैं क्या ये, उसमें करना आपका भी कर रहे हैं। थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, देखें क्या निकल के आता है तंबूरे में से। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये सब पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जैसे ही मॉनेटरी गेन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, वैसे ही ना आपके साथ में इन्हें शादी वादी करनी है, आपको स्टेबल ऑफर दे देना है, वो इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी ब्याह बच्चे इसका सपने देखते हैं, ये एक छोटा सा घर हो रहे दोनों जहाँ, ठीक है, ये वाला सॉन्ग है ना, या झिलमिल से तारों का आंगन होगा, ये इस टाइप के सॉन्ग, मतलब ये इस टाइप के यूफोरिया में ये है। एस ऑफ कप, ओह मम्मी, थोड़ा सा ठंड रखिए भाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, डिवाइन इतने सारे कार्ड दे दोगे तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, हमको जरा क्लियर दीजिए, एक एक दीजिए, इतना अकल थोड़ी है हमारे अंदर, प्लीज बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है इनके पास। काफ़ी सारे लोगों को, पर्सन को ना पता है, इनको ये मालूम ही नहीं है कि इनको, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, और इनको क्लैरिटी नहीं कि ये किससे प्यार करें, मतलब ये कौन है जो जो इनका डिवाइन लव है, सोल कनेक्शन इनका किसके साथ में है, किसका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा है, ये इनमें से ढूंढ रहे हैं। ये अपने लिए बेसिकली प्यार भरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जिसके अंदर भर भर के प्यार हो, जो इन्हें भर भर के प्यार करे, ठीक है, ऐसा ढूंढ रहे हैं। हो सकता है इनको आइडिया भी नहीं है कि इनका सोल कनेक्शन किसके साथ में है। ओके, सेवन, हाँ ऑप्शन की एनर्जी है, ये अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उन पर नज़र रखी हुई है और ये देख रहे हैं कि कौन है जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इन्होंने जब खुद की ज़िंदगी में इतने ऑप्शन रखे हुए हैं, तो जिनके जिनके लिए ये सोच रहे हैं कि प्यार करेंगे, और इनका स्टेटस क्या होगा उनकी नज़रों में, भाई साहब चलो इनको फिलहाल ये, क्योंकि हम आपके लिए निकाल रहे हैं, तो हो सकता है इनको ये भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब प्यार, क्योंकि ये तो चीटिंग कर चुके हैं और ये अभी भी आपको ऑफर कर नहीं रहे हैं,
तो इनके माइंड में ये भी आपको लग रहा है कि आप इतने सारे प्यारे से इंसान हो, आपको तो कोई भी ले उड़ेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शन में से कोई भी आपको ले जाएगा क्योंकि आप इतने प्यारे इंसान हो, आप ये भी चीज़ है इनके माइंड में, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर के ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन्हें लग रहा कि आप इतने प्यार भरे इंसान हो, इतना प्यार करते हो, इतने डिवोटेड हो लोगों के लिए कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा और आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपने लिए ढूंढ भी रहे हो उनमें से कि कौन इंसान है जो आपका प्यार से आपका दिल जीत लेगा, आप उसके साथ में चले जाओगे। इनको इससे डाउट भी हो रहा है, ठीक है, इनको डाउट भी हो रहा है। अब फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ सॉर्ड्स क्या है, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एक तरफ ये बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अरे बाप रे अब तो ना जैकपॉट हो, किसी के भी कोई भी आपको लेके चला जाएगा। तो ये आपको लेकर के ये सोच रहे हो कि तब तक इनको लग रहा है साला पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा आ जाए, जॉब सेटल हो जाए, फिर ये आपकी तरफ बढ़े, फटाफट आपको ग्रैब कर लें इससे पहले कि ये डर कि कहीं आप निकल ना जाओ, ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे मानते हैं जिसके पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए, ठीक है, प्यार से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। तो आपको तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इनका क्यों ही वेट करोगे, तब तक पैसे का ही वेट करते रहेंगे। तो इनकी ज़िंदगी में बेसिकली ये फाइनेंसिस का भी वेट कर रहे हैं उसी चीज़ को लेकर के आप लोगों के, लेकिन ये डरे हुए हैं, इनको ये है कि इन्हें फटाफट शादी करनी है यहाँ पे, ठीक है। चीटिंग, ये ऐसा लग रहा है कि नहीं आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, जो ऑप्शन आपके पास हैं, हो सकता है कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो इन्हें खुद भी पता है आपके बारे में, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, कर्मा डिमांड कर रही है कहीं ना कहीं आपके लिए, ठीक है। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, ये आपकी तरफ से आपने इन्हें अकेला छोड़ा हुआ है तो ये आप थोड़ा सा गुस्से में भी हैं और आप चाह रहे हैं कि भगवान तुम्हें कर्मा दे, तुमने मुझे अकेला छोड़ा, थर्ड पार्टी तुम्हें अकेला छोड़ जाए, मतलब मैं नहीं कह रही वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनकी इस तरीके की एनर्जी है, फाइनेंशियल इनके पास कुछ है नहीं, तो अभी इनको यही लग रहा है कि प्लीज़ डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दो ताकि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कि इनके घर में कोई बीमार है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है या इनके फैमिली में इनके छोटे भाई बहन के ऊपर हो सकते हैं, या कैसा कहना चाहिए, मतलब पैसे की दिक्कत है, पैसा है ही नहीं यहाँ पर, ये चीज़ है। तो बहुत सारी इनकी एनर्जी, अकेलापन है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। मैं जब भी इस कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन सी वो पुरानी मूवीज़ में होते हैं ना, घर में एक बहन है, जवान बहन है, हैंडीकैप भाई है, बीमार माँ है, उस टाइप की फीलिंग आती है मेरे इसमें। मतलब एक्चुअली इस कार्ड का मीनिंग मतलब आपको लगेगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब बस सच्चाई यही है, इस कार्ड का मीनिंग वही है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें यही है ना, पैसे भी नहीं है, 5 सिक्के बच्चे हैं घर में खाली, ऐसे ही है। तो एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले फ्लड शर्ट करेंगे, फ्लड कर करके अपने लिए प्यार ढूंढेंगे ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फ्लड करके अपने लिए ट्रू लव ढूंढेंगे, प्यार ढूंढेंगे, या अपने प्यार के साथ ही फ्लड करेंगे, पहले फ्लड करेंगे ताकि जो प्यार जो कूल डाउन हो गया है ना, जो प्यार वाला कॉम्पोनेंट ख़त्म हो गया है ना, उसको फिर से वो वापस उसमें आग लगाएंगे। ये यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, लेकिन थोड़ा सा ईगो भी है, गुस्सा भी है, एंगर इशूज़ भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, मैं आपके सामने सफल करती हूँ, लेकिन कार्ड उसी सीक्वेंस में है जैसे पहले थे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। द एम्परर एरीज हो सकते हैं ये, और इनकी एनर्जी ये है कि ये बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा पावर में है, गुस्से में है, तो अगर कुछ बोलोगे तो लड़ने के लिए भी उतारू बैठे हैं, अपना सारा जो देखे ना जो लड़ाकू होते हैं ना, जो फाइटर जो जा रहे होते हैं युद्ध पे, तो जो आधा सामान ये पहन के बैठे हुए हैं कि आओ लड़ लो वाली कंडीशन है, तो ये अपनी पावर में ही रहेंगे, ये झुकना नहीं चाहते हैं। अगर इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है तो भी इनका ये है कि वो पुष्पा वाला डायलॉग है कि झुकेगा नहीं साला वाला कंडीशन है इनकी, ये झुकने वुकने के मूड में नहीं है, ठीक है। माफ़ी माफ़ी मांगने की तो तुम भूल ही जाओ कि माफ़ी वाफ़ी मांगेंगे, सो कुछ नहीं इनका इरादा है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, आपको सेल्फ लव की कंडीशन में देख रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं आप थोड़े एटीट्यूड में आ रहे हो, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए आपने, तो अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, लड़के हो तो दाढ़ी वाड़ी सेट करवा ली, और बड़े अच्छे से रह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फाइनेंशियल वाइज भी अच्छा कर रहे हो, करियर भी अच्छे से सेट हो गया, आपकी लाइफ तो सेट है, तो ये ऐसे आपको देख रहे हैं और ये अंदर ही अंदर जल रहे हैं। नहीं मतलब जलने जैसा कुछ आया नहीं, मतलब चीटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, मतलब हाँ थोड़ा सा जल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, सोच रहे हैं आपको। हाँ, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये ऐसा लग रहा है इन्होंने आपका प्यार जो है ना वो खो दिया है, सीरियस नोट पे यही है कि इनको ऐसा लग रहा है
कि इनके जो इन्होंने डिस्टेंस बनाया, जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर के आए, चाहे वो थर्ड पार्टी कैरियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई और लविंग पर्सन हो, उससे एक चीज़ ये हुई है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। ठीक है, प्यार इमोशंस इस वक्त नहीं है और इस कार्ड में भी कहीं नहीं दिख रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ लव है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है ये नहीं है। वो ऐसा सोचते ज़रूर हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है इसमें, उन्हें क्यों इतना प्यार फील होता है आपसे, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो था ना वो इतना प्यारा था, इतना स्वीट था कि उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से हुआ प्यार था। आप सच में बहुत प्यारे वाले इंसान हो, उनको ऐसा लगता है, पर वो आज प्यार कर रहे हैं ऐसा नहीं है कहीं पे भी। वो अभी अपने फाइनेंसिस, कैरियर, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल हैं ये, आपको मान रहे हैं कि आपने एक लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, लेकिन अभी आप क्लोज ऑफ हो गए हो, अभी आप अपना प्यार इनको शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आप इनसे बदला ले रहे हो। जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग किया था, तुम भी मेरे साथ बराबर चीटिंग कर लो, मैंने तुम्हें इग्नोर मारा है, तुम भी मुझे इग्नोर मार लो, जब पूरी भड़ास तुम्हारी निकल जाए फिर मुझे प्यार देना, तब मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा या आऊँगी। ठीक है, तब तक मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारे गुस्से के शांत होने का। ठीक है, मुझे ऑफर तुम्ही को करना है, पर मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो। टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब एक तरह से मैंने मैसेज कन्वे कर दिया आपके लिए, टेम्परेंस की एनर्जी है ये चीज़। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से हील होना चाहते हैं और आपको हील करना चाहते हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, इन्हें अफसोस है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई, अपनी ज़िंदगी की मौज मस्ती के लिए इन्होंने आपको हर्ट किया, आपके सच्चे प्यार को ठुकराया है, इस बात का इनको अफसोस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, इन्हें नींद नहीं आती है, ये बहुत बेचैन है, हो सकता है इनको फीवर वगैरह भी रहता हो। सेलिब्रेशन ये आपके साथ में चाहते हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं, इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती के चक्कर में आपको इग्नोर मारा था, तो रिग्रेट है। पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी, अब ये चाह रहे हैं कि ठीक है थोड़े दिन और ऐसे ही बना के रखते हैं, अभी ज़्यादा रीच आउट नहीं करते हैं उनका, क्योंकि अभी सिचुएशन उनकी इस लाइक नहीं है कि वो आपको ऑफर करें, तो अब उनका इरादा सीधे सीधे यही है कि वो एक बहुत प्रॉपर वे में, जब उनका करियर सेट हो जाएगा, जब उनके पास पूरी क्लैरिटी होगी कि उन्हें आपके पास आना है, तभी वो आपके पास आएंगे और सीधे मैरिज के लिए कमिटमेंट आपको देंगे आकर के। ठीक है, तब पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ में करेंगे, तब फ्लड फ्लड करके आपको मना लेंगे, पहले सक्सेस के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि पैसा वैसा कमा लेते हैं, उसके बाद आपके साथ ब्याह रचा लेंगे वाली एनर्जी इनकी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये प्यार को लेकर के चल रहे हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका सिनेरियो हो, मतलब सीन हो आपका, इनकी कंडीशन यही है कि फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि शादी या तो है तो टूट रही है, खतरे में है, बनी रहने देते हैं खतरे में, पहले करियर पे, फाइनेंसिस पे ध्यान दे लेते हैं, जब वो ठीक हो जाएगा फिर सब कुछ ठीक कर लेंगे, बाद में इनको इतना भरोसा है कि जब चाहेंगे तब ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा आपसे चीटिंग करने के मूड में ही है, चीटिंग कोई ऐसा बैड वे में नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं, इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हैं, इनको मालूम है कि ये तभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे जब इनका फाइनेंसिस ठीक होगा, तो इनका पहले फोकस यही है कि अभी रिश्ता आपके पास अगर नो कॉन्टैक्ट है तो नो कॉन्टैक्ट बना रहने दो, जो जैसा है एज इट इज़ वैसा ही चलने दो, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट आपकी तरफ नहीं करना चाहते ये। इनका पहला ध्यान यही है कि इरादा इनका अच्छा है, इनका यही है कि पहले कैरियर पे ध्यान दे देते हैं, उसके बाद ये संभाल लेंगे आकर के, इधर आकर के। ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए इनको। ठीक है, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, इमोशनली इन्होंने एक दूरी बनाई हुई है, क्योंकि आप इस वक्त गुस्से में हो, सुनने के मूड में हो नहीं, नाराज हो, और क्योंकि अभी ये स्टेबल है नहीं, तो हो सकता है इनके घर में भी कोई हो सकता है जो कंट्रोलिंग हो, तो ये एनर्जी है। फिलहाल तो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप भी गुस्से में हो, आपके पर्सन भी गुस्से में, तो उन्हें लगता है कि जब बाल तुम्हें जाएंगे, लड़ाई कलेश होगा, छोड़ो जैसे हो अभी बने रहें, तो फिर पहले मैं करियर सेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके डायरेक्टली मिलेंगे, जा करके मना लेंगे वाली एनर्जी है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, किसी तरीके का इनका लीगल इशू हो सकता है, या तो कहीं से डिवोर्स वगैरह चाहिए, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, या तो आपके एंड से या उनके एंड से। ये मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, कहीं से कोई लीगल एडवाइस लेना है तो वो भी ले रहे हैं, या कोई लीगल केस हो सकता है, कहीं कुछ ऐसा है जो इनको हेल्पलेस बना रहा है। ये टॉरस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ये चीज़ों को फंसे हुए हैं, ये काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये है कि जहाँ पे अगर ये फैमिली में फंसे हैं तो चाहते हैं कि दोनों में बैलेंस बन जाए, उधर भी नहीं छोड़ना पड़े, आपको भी नहीं छोड़ना पड़े,
फैमिली अगर मैरिड है, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये वहां पे भी उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें भी चाहते हैं कि उधर भी बैलेंस करना है, इधर आपको भी बैलेंस करना है। तो अभी फिलहाल ये थोड़ा थर्ड पार्टी को ज्यादा एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे यही चीज है इनकी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिक, और इन्हें खुद भी ऐसा ही लग रहा है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हो। ठीक है, ये आपको एक छोटा मोटा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, वहाँ पे आपके पर्सन का अगर कैरियर सेट हो गया है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों का कैरियर नहीं सेट हुआ है, जो कि ज़्यादातर का दिख रहा है, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में मना लेंगे, जब पहले कैरियर पे ध्यान दे लेते हैं। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, पर उससे पहले अपनी सुकून अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये। फाइट बैक करने के मूड में, जैसे मैंने बोला कि ये अगर आप इनसे सवाल करोगे तो ये सवाल के बदले में आपसे सवाल कर लेंगे उल्टा, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। जी चलो अब हम देख लेते हैं। इस डेक से देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी। प्लीज डिवाइन हमें इस डेक से एक कार्ड दीजिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है उनका हमारे व्यूअर्स को लेकर के। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। इस डेक से जर्नी की एनर्जी है, थीफ की एनर्जी है, थोड़ा सा ये अभी फिलहाल आपसे चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं आप में भी ऐसा ही लग रहा है कि आप भी अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, आप भी इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों ये कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को अभी, जैसे अगर आपके साथ टच में है या कम कॉन्टेक्ट, अभी प्रॉपर ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, तो ये आपको इग्नोर मार के थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी में बता ही चुकी हूँ कौन कौन है। अगर ये वहाँ चीज़ें कर चुके हैं तो अब ये आपके साथ आना चाहते हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं बैलेंस, लेकिन अब इन्हें डाउट है आपके ऊपर कि आप सेम चीज़ें इनके साथ रिपीट करोगे, जो इन्होंने आपके साथ किया है वही अब आप इनके साथ भी या तो कर रहे हो या करोगे आने वाले टाइम में, इनको ये लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी इनका स्निकी बिहेवियर आपके लिए है, कुछ है जो ये हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो छुपा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन के लिए ये भी हो सकता है कि ये मैरिज कर लिया है या करने वाले हैं, उस चीज़ को आपसे छुपा रहे हो। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज डिवाइन। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए, वो प्लीज डिवाइन थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये अपनी जिंदगी को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी और के साथ मैरिज करने हैं। मैरिज क्यों कर रहे हैं? जस्ट क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इनके पैशन की कमी है, आपकी तरफ से इनको प्यार व्यार मिल नहीं रहा है, तो ये अपनी ज़िंदगी में वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको गिल्ट है अंदर ही अंदर। ठीक है, अगर इन्होंने पास्ट में किया था तो आप गिल्ट कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं तो भी इनके अंदर ये गिल्ट और बेचैनी है, डर है कि कहीं आपको पता ना चल जाए। कुछ ना कुछ आपके पर्सन छुपा ज़रूर रहे हैं आपसे। ठीक है, कोई ना कोई स्निकी बिहेवियर ज़रूर है, ये छुपा रहे हैं कुछ आपसे, हाइड कर रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, किसी के साथ या तो ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए हैं और यहाँ पे आपसे आपको धोखा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर है, बेचैनी है, या तो पास्ट में किया है तो अब लग रहा है इनको गिल्ट हो रहा है, या पास्ट में नहीं किया है तो ये अभी इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, एक जर्नी है, ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवलिंग किसी न किसी तरीके की दिखाई देती है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह गए हों, वहां पे इन्होंने ड्रामे चालू किए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जर्नी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जर्नी को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि पिछले काफी दिनों से फ्लर्ट की एनर्जी आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हैं। यस, ये एक एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन ज़रूर है। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लोर किया है और जिसे ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको एक एक्शन लेना है और ये चाहते हैं कि या तो आपकी तरफ चीज़ें बढ़ जाएं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, कुछ लोगों के लिए इनके पर्सन आपको धोखा दे करके कहीं और भी बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, कोई दूसरा पर्सन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है आपके अलावा भी। ठीक है, जो इन्होंने आपसे छुपा के रखा हुआ है, जो आपको पता नहीं है। ठीक है, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। ठीक है, क्योंकि डिवाइन बहुत बेहतर जानते हैं आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, ये या तो किसी के साथ फ्लर्ट करते करते किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं और अब उसके बारे में सीरियसली सोचने लग गए हैं, मैरिज वैरिज के बारे में, तो हो सकता है इनका ये भी बिहेवियर है कि ये आपसे ये चीज़ हाइड कर रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग? हैड टेकन लॉस की एनर्जी है, ठीक है। किसी तरीके की कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जहाँ से आपको दिल टूट जाए, या ऑलरेडी आपका दिल टूटा हुआ है, आप इसी कंडीशन में हो जहाँ आपका दिल टूटा है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो आपको अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी, और अगर आपको अपनी अथॉरिटी में आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको हो सकता है पैसे के लिए आपके पर्सन के आपको छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने पैसे पे, फाइनेंसिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अथॉरिटी में आपको आने की ज़रूरत है, या थर्ड पार्टी अगर फैमिली है और उनकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा पावरफुल बनने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत स्निकी टाइप का रहता है, तो आप उनको भी थोड़ा सा टाइट होकर के डील करिए, ठीक है। अगर वो कुछ हाइड कर रहे हैं तो उसको जानने की कोशिश करिए आप, ठीक है। और चीज़ों का एक पावर में आइए, अपनी अथॉरिटी को भी समझिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो समझा दिया आपने समझ लिया, ठीक है। हमेशा उस चीज़ में ना रहें, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को चेज ना करें, अपनी वैल्यू करवाना भी सीखें, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन के पीछे भागते रहेंगे तो वो आपके पीछे भागेगा ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। तो थोड़ा सा अपनी पावर में आइए, अथॉरिटी में आइए। थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो पहले अपने आप को फाइनेंशियली रिच करिए, और उसके बाद अपने रिश्ते के लिए खुद लीड लीजिए अथॉरिटी। जब तक आपके पर्सन खुद से स्टेबल नहीं होंगे, अपने इनके हाथ में अथॉरिटी नहीं आएगी, जब तक ये खुद भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह नहीं होंगे, तब तक ये हार्ट एंड लॉस की एनर्जी आपके लोगों की ज़िंदगी से नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें पावर, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पावरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड फाइव कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि इन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला था, और अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, ठीक है। बट मुझे काफ़ी लोगों के लिए अभी भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनको गिल्ट है, बेचैनी है, डर है, सब कुछ, लेकिन ये अभी भी किसी के साथ में थोड़ा सा हैंग आउट कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो पैशन की कमी है, उस पैशन की कमी को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट ये कह रहे हैं कि आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये उनकी एनर्जी है जो सब कुछ करके आ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने सारे खेल खेल लिए हैं, आपको धोखा दे लिया, चले गए थर्ड पार्टी से जाकर के, जो कुछ करने थे कांड वांड वो सारे कर लिए हैं, उनका दिमाग अभी ठिकाने पर आ गया। वो ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ भी, सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया है, तो पहले वो जाएंगे, पहले वो कांड करेंगे, रायता फैलाएंगे, उसके बाद आकर के उस रायते को बटोरेंगे, ठीक है, उस पर फिर अफसोस जाहिर करेंगे। तो अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो टू लेस मतलब सॉरी कॉन्टैक्ट में हैं, या कम कॉन्टैक्ट भी है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आपको चीज़ें अभी पॉजिटिव लग रही हैं, बहुत नेगेटिव नहीं है। प्रॉपर ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, या बहुत बड़ी बिग फाइट नहीं हुई है, पर रिश्ते में थोड़ा बहुत पहले जैसा चार्म तो नहीं है, तो वहाँ पे ये चांसेस हैं कि आपको एक ट्रिगर मिल जाए कि आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास जाएं। लेकिन ज़्यादातर के लिए मुझे वापस आते हुए ही दिखाई दे रहे हैं अपना कर्मा भुगत के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इनका मेन इरादा अब यही है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में इन्होंने फैमिली की बातों में आकर के, या कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मॉनेटरी गेन दिखाई दिया, या जो भी चीज़ें हैं उनको देखने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको पीछे छोड़ के इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन किया, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया, और आपको बिल्कुल इग्नोर मार दिया, ठीक है। जब आप इनके प्यार के लिए क्रेव कर रहे थे, तब इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, अब इनको कर्मा मिला है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको अकेला छोड़ दिया है, तब इन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप ऐसे इंसान वो आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अब इनकी एनर्जी यही है कि अब ये चाहते हैं कि आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, और अब ये आपके साथ ही मैरिज करने के लिए काफ़ी हद तक रेडी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी का चेहरा अच्छे से देख लिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, या फिर ये डिवाइन की मर्जी हो सकती है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है, ट्विन फ्लेम आप लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये डिवाइन यूनियन हो सकती है कि डिवाइन की मर्जी से आपको पास लाया जा रहा है। तो इस वक्त आप अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि डिवाइन यूनियन तभी होती है जब आप और आपके पार्टनर दोनों बैलेंस हो, ठीक है। तो कोशिश करो खुद को बैलेंस करने की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी देर इज़ नो थर्ड पार्टी। आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यू है। जो चीटिंग की एनर्जी है वो एक कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में ये है कि ये चीटिंग जो है ना वो आपके माइंड में इतनी बुरी तरीके से स्टक कर गई है कि अब आप उन पर भरोसा करने को ही राजी नहीं हो,
ठीक है, भरोसा ही नहीं करने को राजी हो, तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस इंसान के प्रति रोमांस और फीलिंग्स नहीं रह जाती हैं जिस इंसान ने चीट किया हो, जो आपको छोड़ के किसी और पर्सन के पास चला जाता है, और जो बातें जो कही उसने आपके साथ में कही थी वो किसी और के साथ में भी कह रहा है कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक होता है, फिर लगता है कि अब क्या ही भरोसा करें इस इंसान की बात का, जिसने पहले भी तो इतनी सब बड़ी बड़ी बातें की थी और उन सब बातों का क्या अंजाम निकला, झूठ था सब कुछ, तो भरोसा नहीं हो पाता, तो फिर से एक पैशन वाली शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बहुत वो होता तो सब कुछ है पर एक टाइम चाहिए, हीलिंग चाहिए उसके लिए, तो उतना पेशेंस अगर आपके पर्सन के अंदर होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज तो देखते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं आप, ठीक है, प्यार तो करते हैं नो डाउट, अभी ने एक्चुअली इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, हो सकता है क्योंकि 11-11 की एनर्जी ट्विन फ्लेम बार बार वही दिख रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, क्योंकि ये टाइम भी चल रहा था डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग का, तो हो सकता है आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन होने लग गए हैं, इनको अब आपके साथ रिश्ता अपना समझ में आने लग गया है, इसलिए अब ये आपके लिए ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपसे ये पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से अब कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अब आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे हैं किस हाल में हैं, आप शायद उन्हें ना तो कभी रीच आउट करते हो कहीं से, ना ही उन्हें कॉल करते हो, ना उनसे किसी तरीके का मैसेज करते हो, ना ही उनसे कभी कुछ पूछते हो, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने पर्सन के अकॉर्डिंग कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अच्छा है कि बुरा है, अब उन्हें आप बिल्कुल इमोशन लेस हो गए हो, तो इस वजह से अब ये परेशान हो रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने चीटिंग को इतनी थर्ड पार्टी और चीटिंग को इतना माइंड में बिठा लिया है कि वो आपके माइंड से निकल ही नहीं रहा, ये तो अच्छा हम देख चुके थे ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, नो, अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है क्लियर नो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के पर्सन तो वापस आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये है, ये मुझे नो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हमारे कुछ व्यूअर्स ने कोई सवाल पूछा उसका जवाब आया है ये क्लियर नो, ठीक है, डिवाइन की तरफ से भी ये फिलहाल के लिए क्लियर नो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपका रिश्ता अगर आपको लगता है कि कार्मिक ही, क्योंकि ये एनर्जी आज की जो है वो मुझे लगता है 100% सिर्फ ट्विन फ्लेम वालों के लिए ही है और कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं है। अगर आपका रिश्ता कार्मिक है, आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब ही हुई हैं आज तक, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, हो सकता है आप गलत रिश्ते में स्टक हो और ज़बरदस्ती की उम्मीदें वहाँ लगा के बैठे हुए, वहाँ से आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और कुछ लोगों ने हो सकता है सवाल पूछा है क्या मेरे पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है या कोई चीज़, ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमारे कुछ व्यूअर्स ने पूछा है जिसका जवाब है क्लियर नो, और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, ठीक है, अगर किसी ने पूछा डिवाइन हमारे व्यू पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, तो डिवाइन ने बोला नहीं कोई थर्ड पार्टी नहीं, क्लियर नो है, ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो आपके माइंड में चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपके पास सफिशियंट मतलब रिसोर्सेज कहना चाहिए या मतलब सफिशियंट जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ की, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि पहले आप उस चीज़ के लिए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, कोई जॉब है, कोई और अपॉर्चुनिटी है इसी रिश्ते में है या कोई दूसरा रिश्ता है, किसी भी चीज़ के लिए एकदम जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, पहले अच्छी तरीके से उनको देख लें, इन्फॉर्मेशन देख लें, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो उसे और आपको ज़रूरत है अभी, इसका मतलब आप जो भी चीज़ सोच रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी अभी नहीं है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।